जो दिन है बहुत पवित्र है, सीता ठाकुरानी का आविर्भाव दिवस है। क्योंकि शक्ति तत्व है इसलिए तिरुभाव दिवस नहीं मनाया जाता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा इनके आविर्भाव का भी वर्णन किया। तो सीता ठाकुरानी, पहली बात तो है कि इनके नाम के बाद ठाकुरानी ये जो उपाधि है, ये जो आती है कुछ विशेष उपाधि है, ये सबको नहीं मिलती उपाधि। जैसे श्रीवास ठाकुर, तो ठाकुर की उपाधि श्रीवास है उनको मिली, और नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि मिली। इसी प्रकार से इनका क्या है, ठाकुरानी, सीता ठाकुरानी। तो बहुत विशेष इनका है कि चैतन्य चरितमृत की प्यार में बताया गया है, अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, पूरे जगत में ये पूजिता है, संपूर्ण जगत के द्वारा ये पूजिता है। क्योंकि वास्तव में अद्वैताचार्य अगर महाविष्णु है तो ये महालक्ष्मी है, और कमल के फूल से प्रकट भी हुई, तो चूँकि ये कमला लया कमला इनको जो है कहा जाता है, इनका नाम है, तो कमल से ही प्रकट हुई, तो ये महालक्ष्मी चार भुजाओं वाली थी। तो जगत पूजिता आर्या तार नाम सीता ठाकुरानी, आचार्य आज्ञा पाया, आचार्य की आज्ञा पा करके ये जो है आई, कहाँ पर आई, नवद्वीप में आई। देखी थे बालक शिरोमणि, बालक वो में जो शिरोमणि है तो उसका जो है दर्शन करने के लिए आई। तो अद्वैताचार्य ने अपने से ज़्यादा सौभाग्य सीता ठाकुरानी को दिया, अद्वैताचार्य ने आज्ञा दी कि तुम जो है तुम जाओ उस बालक का दर्शन। और बहुत बड़ा ये अवसर था कि भगवान के जन्म का जो है जो समय था, वह समय भगवान का दर्शन करना ये बहुत बड़ी बात है। कि जितने देवता हैं वो भी सब जो है मतलब लालायत होते हैं कि कब जन्म होगा और हम दर्शन करेंगे। गर्भ में ही जो है वो देवता लोग आने लगते हैं, माता देवकी के भी कारागार में, और यहाँ सची माता के भी घर में देवता लोग आते रहते हैं, और कब जन्म होगा, कब जन्म होगा, प्रतीक्षा करते हैं, देवता लोग भी प्रतीक्षा करते हैं। तो वो जन्म के समय का दर्शन बहुत विशेष होता है, और वो सीता ठाकुरानी को अद्वैताचार्य प्रदान करते हैं कि आप जाइए और सब प्रकार के उपहार लेकर के जाइए। तो बहुत बड़ी जो है ये सौभाग्य की बात है कि सीता ठाकुरानी ने इनका बालक का दर्शन किया, और बालक का नाम भी जो है नामकरण किया, नामकरण किया, निमाई है नामकरण किया। तो नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ। उनको जन्म मतलब देने के लिए कि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हो, पहले से ही नीम के पेड़ के नीचे सब घर बनाया है ना, कोई ऐसे थोड़ी कि भाई अचानक जन्म हो गया नीम के पेड़ के नीचे, ऐसे थोड़ी है। जन्म उनका बालक का नीम के पेड़ के नीचे होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए उसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे होना चाहिए कि कोई भी अब देवता ना आए इस बालक का अनिष्ट करने के लिए। तो नीम के पेड़ के नीचे ही जो है माता सची को पहले से ही रखा गया, और कई दिन पहले से रखा गया। तो सब जो है मतलब पर्दा वगैरह सब कुछ बनाया गया, और कई दिन पहले से बनाया गया कि सची माता नीम के पेड़ के नीचे ही रहेंगी, कि गर्भ के अंदर भी बालक को कोई अनिष्ट ना हो, और जन्म के समय अनिष्ट ना हो, जन्म के बाद भी अनिष्ट ना हो। तो दो तीन महीने तक नीम के पेड़ के नीचे ही माता सची रहीं कि बालक किसी प्रकार अनिष्ट ना हो। और माता जो सीता ठाकुरानी है उन्होंने बालक का नाम निमाई भी दिया, नाम भी निमाई इसलिए दिया कि जो है निमाई जो है कड़ुआ, नीम कड़ुआ होता है, तो बालक का नाम भी बहुत कड़ुआ नाम दिया, कड़ुआ नाम दिया क्यों, अब देवताओं के लिए बहुत कड़ुआ हो, तो ये बालक जो है कड़ुआ हो तो मतलब कोई भी अब देवता अनिष्ट नहीं करेगा। मीठा बालक होता है तो अब देवता जो है उसका नष्ट विनाश करेंगे या जो है उसका अनिष्ट करेंगे, तो कड़ुए बालक का कोई अनिष्ट ना हो इसलिए निमाई नाम दिया। तो सीता ठाकुरानी बहुत सोचती हैं कि कैसे रक्षा हो बालक की। तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि वात्सल्य भाव इनका जो है चैतन्य महाप्रभु की वात्सल्य भाव है, इस प्रकार से उन्होंने बालक का नाम दिया निमाई। हरे कृष्णा। श्रीमती सीता ठाकुरानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।